हेलो एवरीवन आई एम वंशिका वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मीनाक्षी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर ट्वेल्व एंड हर नेम वाज फैशन डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ लेते हैं कि जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो हमें इससे कौन कौन सी चीज़ें समझ में आएगी तो सबसे पहले जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसका कंक्लूज़न निकलेगा कि हमें पता चलेगा कि फ़ैशन डिज़ाइनर और मर्चेंडाइज़र के बीच में क्या डिफरेंस है हमें पता चलेगा फैशन डिज़ाइन फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में पता चलेगा और हमें पता चलेगा कि अगर हम फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं उसमें अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए उसके बाद हमें ये भी पता चलेगा कि अगर एक स्टूडेंट फैशन डिज़ाइनर की लाइन में जाना चाहता है फ़ील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए उसे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग आर अमंग द एम मोस्ट एक्साइटिंग करियर ऑप्शन इन टूडेज़ वर्ल्ड देखो आजकल की जो हमारा सिनेरियो है आजकल का उसमें जो फैशन डिज़ाइनिंग है लोग इसे बहुत ज़्यादा एक अच्छा करियर मानते हैं क्योंकि आजकल के टाइम में जो फैशन है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है इन अ कंट्री लाइक इंडिया व टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और देखो जो आजकल अगर हम इंडिया में भी देख लें तो इंडिया में भी फैशन की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी है द रिसेंट बैशन डिजाइनिंग हैज़ लेक्ट इन द एक्साइटिंग एक्जिस्टिंग डोमेन ऑफ गार्मेंट एंड एक्सेसरी डिजाइन द फैशन इंडस्ट्री सेटिसफाई बोथ द क्रिएटिव अर्ज एंड द मटेरियलिस्टिक नीड्स ऑफ पीपल देखो इसमें क्या होता है लोगों की जो मटेरियलिस्टिक थिंग होती है मतलब जो लोग चाहते हैं ना उसमें लोगों की जो डिमांड होती है ये फैशन डिजाइनर पूरा करता है यू हीयर द टर्म फैशन मर्चेंडाइजिंग मैनी टाइम आपने फैशन डिजाइनर के अलावा फैशन मर्चेंडाइजर के बारे में भी कई बार सुना होगा डिड यू एवर इन टू इट क्या आपने सोचा है कि कभी कि ये फैशन मर्चेंडाइजर कौन है लेट अंडरस्टैंड मर्चेंडाइजिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिन इसमें हम मर्चेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसका ऑरिजन मतलब क्या है यू कैन रिकॉल फ्रॉम योर अर्ली हिस्ट्री लेसन द बार्टर ऑफ प्रोडक्ट एंड क्राफ्ट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ ट्रेंडिंग प्रैक्टिस स्लोली ट्रेडिंग मूव टू वर्क वॉज एवेलेबल वॉज सेलेबल सो देयर वॉज नो कॉम्प्लिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हाउ एवर द ईयर नाइनटीन ट्वेंटी गिव बर्थ टू रेडी टू वेयर एंड सून रिटेलर्स रियलाइज दट सेल ऑफ गार्मेंट्स वॉज बिग बिजनेस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फैशन अपेरियल बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मर्चेंडाइज इन डिपार्टमेंट स्टोर एज अ रिजल्ट ऑफ़ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ फैशन न्यू स्पेशन केम इन टू बिंग फैशन मर्चेंडाइजिंग तो इसमें बताया गया है कि आपने देखो पहले भी सुना होगा फैशन मर्चेंडाइजिंग के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा उसके बाद ये लोग बताते हैं कि पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर हम किसी से सामान ले रहे हैं तो उसके बदले हमें सामान देना पड़ता था और उस टाइम हमारे पास ना बेचने के लिए उतना चीज़ें होती नहीं थी तो लोग क्या करते थे लोग इतना ज़्यादा कुछ फ़ैशन वगैरह इन सब पे इतना ध्यान नहीं देते थे लेकिन क्या हुआ नाइनटीन में एक ट्रेंड आया रेडी टू वियर मतलब कि तैयार हो जाओ अब तो उसमें क्या हुआ उसमें लोगों ने सोचा कि अगर हम इन लोगों के लिए अलग अलग फैशन के कपड़े लाएंगे तो इससे क्या होगा इससे हमें प्रॉफिट होगा और जो बिजनेस है वो और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे हमारा हो जाएगा अब हम समझेंगे इसकी इम्पोर्टेंस फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड हाउ द फैशन बिजनेस वर्क इसमें हम पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से हम कैसे काम करेंगे इसका सही टाइम क्या है सही जगह क्या है सही प्राइस में कैसे बेचे इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व विद प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल अपेरल एंड एक्सेसरीज एंड रिटेलर स्टोर्स डेट सेल्फ फैशन मर्चेंडाइजिंग टू द पब्लिक देखो इसमें मेनली होता क्या है कि पहले हमारे पास रॉ मटेरियल डायरेक्ट तो हम हमारे पास बन के नहीं डायरेक्ट हमारे पास बन के आता है लेकिन उसके जो प्रोसेस होते हैं उसका पहले जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं पहले क्या करते हैं वो रॉ मटेरियल लाते हैं उसके बाद फैशन डिजाइनर उस कपड़े को बनाएगा उसके बाद जो हमारा प्रोड्यूसर होगा मतलब जो हमें बेचता है कपड़े वो फैशन डिज़ाइनर से जाके ख़रीदेगा फिर वो हमें बेचेगा तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है तब जाके हमें कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो हमें मिलता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फैशन बिजनेस वेयर यू ऑल्सो लर्न अबाउट टेक्सटाइल फैब्रिक एंड द फाइबर यूज टू मेक दैम इसके अलावा फ़ैशन डिज़ाइनर को पता होना चाहिए कि वो जिस कपड़े का इस्तेमाल कर रहा है वो कपड़ा कैसा है उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए उसके कस्टम्स मतलब उसके रीति रिवाज मतलब उस कपड़े से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो फैशन डिज़ाइनर को पता होना चाहिए फैशन मर्चेंडाइजिंग इक्विप्स टू फर्स्ट रिस्पॉन्स टू वर्क वाई एंड वैन आर स्टाइल become a फैशन एंड देन हेल्प टू determine a suitability for the फॉर द operation and ऑपरेशन एंड फॉर of ऑफ टाइम देखो अगर कोई भी फैशन डिजाइनर को कपड़े बनाने हैं तो उसके लिए सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा कि उसे किस किस मटेरियल की ज़रूरत है और वो उसकी डिमांड कौन पूरी करेगा मर्चेंडाइजर उसे ला के देगा वो सारी चीज़ें जो भी चीज़ें एक फ़ैशन डिज़ाइनर को चाहिए उसके बाद क्या करेगा वो उसे खरीदेगा ख़रीदने के बाद जो हमारा प्रोड्यूसर होगा वो उसके पास जाएगा लेने के लिए फिर जाके वो उसे एक अच्छे दाम में बेचेगा उसके बाद हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे चार तरीक़े के हमें बताए गए हैं फ़ैशन टर्मिनोलॉजी देखो फ़ैशन फ़ैशन क्या होता है जिस जगह पे हम रहते हैं उस टाइम पे जो भी कपड़ा है या फिर जो भी चीज़ है उस टाइम पे जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है वो हमारा फैशन कहलाता है अब वो कोई भी कपड़ा हो सकता है वो चाहे वुलन का हो सकता है वो चाहे समर का हो सकता है किसी भी टाइम का हो सकता है उस टाइम में वो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है अब स्टाइल अब हम स्टाइल जो होता है इसमें क्या होता है कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जो कि अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जो कि मतलब आते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती लोग उन्हें उतना पसंद नहीं करते अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कोई इंसान एक ही फैशन को पसंद करे या फिर हर इंसान को जो भी जो फैशन डिज़ाइनर कपड़े बना रहा है उसे वो स्टाइल पसंद आ जाए कभी कभी पसंद आ जाता है कभी कभी नहीं आता है तो ये हमारा स्टाइल कहलाता है तीसरा हमारा होता है फैड्स फैड्स में क्या होता है फैड्स में वो कपड़े आते हैं जो कि बहुत कम टाइम के लिए फ़ैशन में आते हैं और वो चले जाते हैं मतलब वो सीज़न के हिसाब से आते हैं अगर विंटर में कोई ड्रेस आ रही है और जैसे उसका सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो मतलब क्या उसकी डिमांड भी ख़त्म हो जाएगी फिर उसके बाद लोगों की क्या डिमांड होगी कि विंटर में कोई नया फैशन आए तो ये कम टाइम के लिए आता है और चला जाता है उसके बाद क्लासिक क्लासिक में क्या होता है क्लासिक में वो फैशन होता है जिसका कभी फैशन आउट नहीं होता मतलब वो कभी उसकी जो डिमांड होती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है और कभी उसकी डिमांड कम होती है लेकिन डिमांड पे वो रहता है कभी भी उसकी डिमांड ख़त्म नहीं होती जैसे अगर हम जीन्स की बात कर लें तो जीन्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती बहुत टाइम से वन फिफ्टी ईयर्स ऐसे हो गए जीन्स को जिसका फैशन अभी तक आउट नहीं हुआ है उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो फ़ैशन है पहले इतना फैशन पॉपुलर नहीं था लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि जो जो भी कोई लोग हैं वो फैशन के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं मतलब अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं फैशन के अकॉर्डिंग चलते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ़ द फैशन इंडस्ट्री वन हैज़ टू हैव द नॉलेज ऑफ फैशन फंडामेंटल देखो फैशन फंडामेंटल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं तो हमें उसकी हर एक छोटी चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए फर्स्ट इन द सिक्वेंस इज टू नो हाउ द फैशन बिजनेस डेवलप पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम फैशन में बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से लोगों के सामने रखें कि लोगों को पसंद आए दस द हिस्ट्री ऑफ़ फ़ैशन हेल्प द डिज़ाइनर टू मेक डिसीज़न फॉर द प्रेजेंट डे एंड फ्यूचर फैशन उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ैशन डिज़ाइनर और फैशन मर्चेंडाइज़र को ये पता होना चाहिए कि अभी के टाइम पे क्या फैशन चल रहा है और फ्यूचर में आने वाला जो फैशन होगा वो हमारा क्या होगा उसे दोनों चीज़ों के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसके बाद आइडियाज़ फ्रॉम द पास्ट आर ऑफन री फॉर फोर टूडेज़ फैशन देखो कभी कभी क्या होता है कभी कभी जो पुराना फैशन होता है ना उसी में कुछ नया कर देते हैं जिससे कि वो एक नया फैशन बन जाता है तो वो भी हमारा मतलब वो टेक्निक भी हमें आनी चाहिए फैशन एज वी नो एक रिलेटिवली न्यू इन एंशेंट एंड मेडिवियल टाइम स्टाइल रिमेन practically unchanged for a century at like a time during Renaissance Western cultiva cultivation discovered different culture custom and customers leading to the acceleration in fashion change देखो क्या हुआ धीरे धीरे जो हमारा पुराना टाइम था उस टाइम पे क्या हुआ एक ऐसा मूवमेंट आया मतलब वो टाइम था जिस टाइम हमारा जो हिस्ट्री uh, थी वो मॉडर्न एज की तरफ जा रही थी मतलब उस टाइम पे जो अंग्रेज़ थे उनका आना शुरू हो गया था तो उस टाइम पे क्या हुआ जो वेस्टर्न कल्चर था इन्होंने अलग अलग लोगों को देखा कि वो किस तरीके से आ, कपड़े पहनते हैं उन लोगों के रीति रिवाजों को देखा तो उनके मन में ना एक थाट आया क्यों ना हम भी इनकी जो अलग अलग जगह के जो कपड़े हैं वो हम बनाएँ इससे क्या होगा इससे हमें फ़ायदा होगा और लोगों के अंदर ना काम करने की एक इच्छा जाग गई कि हम भी ऐसा करेंगे कुछ उसके बाद फ्रांस द सेंटर ऑफ अ फैशन अब इन सब के बीच जो फ्रांस है ये फैशन के नाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है फ्रांस डोमिनेंस ओवर इंटरनेशनल फैशन बिगम बिगन इन द अर्ली एटीन सेंचुरी जो फैशन की जो शुरुआत है वो फ्रांस में हुई थी सबसे पहले एटीन सेंचुरी में अनटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन पीपल बिलोंग टू मेन क्लासेस वेल्दी एंड पुअर देखो उस टाइम क्या होता था पहले अमीर और गरीब लोग होते थे बस इसमें मिडल तरह के कोई लोग नहीं होते थे देखो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो तीन तरीके के लोग होते हैं एक होता है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है दूसरा होता है कि जो ठीक ठाक होता है और तीसरा होता है जो कि अमीर होता है लेकिन उस टाइम पे बस दो ही लोग होते थे या तो बहुत ज़्यादा अमीर होता था या बहुत ही ज़्यादा गरीब होता था अब ऐसे में क्या होता है जो किंग लुइस फोकिन होते हैं जो फ्रांस के जो किंग होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है फ़ैशन के मामले में तो उनके यहाँ पे जो भी उनके यहाँ पे जो दरबारी होते हैं जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाते हैं और जो वो डिज़ाइन बनाते हैं वही लोगों के लिए क्या बन जाता था फ़ैशन बन जाता था उसके बाद अलग अलग जगह से लोग आते थे इन लोगों को कपड़े देते थे जो रॉ मटेरियल होता था वो देते थे और लेस देते थे तो इससे इनके पास बहुत सारा मटेरियल आ जाता था तो इससे जो राजा था उसका भी जो इंटरेस्ट था वो भी बढ़ता गया और इन लोगों के पास पहले से भी था ऑल द क्लोथ्स वर हैंग मेड एंड कस्टम मेड टू फिट द कस्टमर एग्जैक्ट मेज़रमेंट लेकिन उस टाइम पे एक प्रॉब्लम ये होती थी कि उस टाइम पे हमारे पास सिलाई मशीन नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे लोगों को हाथ से ही कपड़े बनाने पड़ते थे और एक एग्जैक्ट फिटिंग देना किसी कपड़े की वो भी बिना सिलाई के बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था वो भी उस टाइम के लिए क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अगर किसी इंसान के लिए कपड़े बनाने हैं तो एकदम फिटिंग का होना चाहिए और दूसरा इंसान वो कपड़े नहीं पहन सकता था और इसीलिए यही कारण था कि जो लोग थे वो इतना ज़्यादा फैशन मतलब फैशन पे ध्यान नहीं देते थे फ्रांस बिकम द सेंटर ऑफ फैशन ड्यू टू सपोर्ट फ्रॉम द रॉयल कोर्क एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री देयर देखो फ्रांस को फैशन का इतना बड़ा सेंटर इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ के जो किंग थे इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इनके मेंबर को इंटरेस्ट था और दूसरी बात यहाँ पर जो सिल्क थी उसकी इंडस्ट्री थी अब यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने फैशन डिज़ाइनर को नाम दिया है कुतूरे और मतलब जो मेल फे, मेल फैशन डिज़ाइनर है वहाँ के लोग इन्हें क्या कहते हैं कुतूरे और जो गर्ल्स फैशन डिज़ाइनर है उसे क्या कहा है कुतुरे रे ठीक है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क द बिगनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस इन टेक्सटाइल एंड अपेरल प्रोडक्शन उसके बाद क्या होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है तो उस टाइम पे ना अलग अलग टेक्नोलॉजी की डिमांड होती है मतलब लोग बोलते हैं कि भाई अलग अलग टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जिसकी मदद से हम कुछ कर पाए देश का विकास हो तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी की मांग होने लगी तो ड्यूरिंग दिस टाइम स्पाइनिंग जेनी एंड पावर लूम्स वर इन्वेंटेड तो उस टाइम पे जो कुछ मशीनें थी वो आने लगी थी अब के टाइम पे जैसे हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया दिस गिव राइज टू डेवलप ऑफ अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली इंक्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन रिटर्न क्रिएटेड अडल क्लास विद मनी टू स्पेंड ऑन द लग्जरी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बेकर क्लोथिंग अब देखो इससे क्या हुआ जब अमेरिका के लोगों ने ये डिमांड करी कि हमें भी टेक्नोलॉजी चाहिए तो क्या हुआ अब जो ट्रेड सिस्टम था जो व्यापार का जो वो था वो और भी जगह फैलने लग गया क्योंकि अब मशीन आ गई थी तो लोगों का काम जो था वो आसान हो गया अब इसी टाइम पे तीसरे तरीके के लोग आते हैं जो कि मिडल एज मिडल क्लास के लोग होते हैं अब देखो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि लग्ज़री चीज़ें का इस्तेमाल तो कर सकते हैं हालांकि वो सिल्क के कपड़े नहीं पहन सकते लेकिन उनके पास इतना पैसा था कि वो अच्छे से कपड़े पहन सकते हैं द इन्वेंशन ऑफ सीइंग मशीन टर्न देंडी क्राफ्ट इन टू एन इंडस्ट्री द डेमोक्रेटाइज फैशन एंड मेक इट एक्सेसिबल फॉर एवरी वन अब देखो इस टाइम पर क्या हुआ इस टाइम पर सिलाई की मशीन भी आ गई अब देखो लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसानी हो गई जो लोग पहले हाथ से काम करते थे अब उन वो लोग आसानी से सिलाई मशीन में कुछ भी काम कर सकते थे तो अब क्या हुआ जो फ़ैशन है उसका इस्तेमाल हर कोई इंसान कर सकता था कैसे कर सकता था क्योंकि अब सिल्क ही एक फ़ैब्रिक नहीं था क्योंकि सिल्क जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है लेकिन अब के टाइम पे क्या हुआ बहुत सारे फ़ाइबर आ गए थे मैन मेड फ़ाइबर आ गए थे अलग अलग टाइप के फ़ाइबर इस टाइम पे आ गए थे तो अब जो फ़ैशन है उसका इस्तेमाल अमीर इंसान भी कर सकते थे गरीब भी कर सकते थे और मिडिल क्लास के लोग भी कर सकते थे एटिन आइजैक सिंगर डेवलप द फूट ट्रेडर फॉर द सीइंग मशीन विच लेफ्ट हैंग फ्री टू गाइड द फैब्रिक अब क्या हुआ एटीन फिफ्टी नाइन में जो आइजैक सिंगर थे इन्होंने क्या करा इन्होंने जो पैरों की सिलाई मशीन है इसका इन्वैशन करा अब लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसानी हो गई उनके हाथ एकदम फ्री हो गए अब उन्हें कुछ भी काम करना होता तो वो पैर से कर सकते थे सिलाई एंड अर्ली यूज़ फॉर सीइंग मशीन वॉज मेक टू सिविल वॉर यूनिफॉर्म अब देखो जो सिलाई मशीन है जो हम हाथ से सिलते हैं उसका इस्तेमाल केवल लोगों के लिए यूनिफॉर्म बनाने के लिए कर, करा जाता था और जो लोग वॉर पे लड़ने जाते थे उनके लिए वो ड्रेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता था एटीन फोर्टी नाइन फेब्रिक इंटेंटेंट फॉर टैंक एंड वैगन कवर वॉज़ यूज टू मेक लॉन्ग वियरिंग पैंट विद पॉकेट फॉर टूल्स बाय यंग गर्ल बाय यंग बॉय लेवी स्टेरस अब देखो क्या होता है 1849 नाइन में एक ऐसा कपड़ा खोजा जाता है मतलब एक ऐसे कपड़े को डिस्कवर किया जाता है जिससे कैंट बनता है और जिस जो वैगन कवर्स के लिए इस्तेमाल होता है उससे क्या बनाई जाने लगी अब पैंट्स बनाई जाने लगी और साथ में उसकी पॉकेट भी बनाई जाने लगी जिसमें वो अपना कोई सामान रख सकते हैं और जिसने इसका इन्वेंशन किया वो कौन था लेवी स्टैरस लेटर दिस बिकेम पॉपुलर एंड वर कॉल्ड गैनिम्स उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे ये जो हमारे जो आज के टाइम पे हम जीन्स पहनते हैं धीरे धीरे फेमस होने लग गई और इसे क्या नाम दे दिया डेनिम्स दिस वाज द बिगनिंग ऑफ क्लोथ स्पेशली मेड फॉर लेबर्स देखो पहले ये जो जीन्स होती थी ना इसका इस्तेमाल लेबर जो मजदूर लोग होते हैं वो करते थे दिस इज़ द ओनली अपेरल दैट हैज़ रिमेन फॉर द लास्ट नियरली वन फिफ्टी देखो ये एक ऐसा पहला क्लोथ है जो कि वन फिफ्टी सालों से चलता हुआ आ रहा है और अभी तक चल रहा है क्योंकि देखो क्या होता था ये जो लेबर्स होते थे ना ये काम करते थे और अगर ये सिल्क के कपड़े पहन के काम करेंगे उसके बाद उस कपड़े को अगर हम धोएंगे तो क्या होगा वो फट जाएगा आसानी से लेकिन अगर वो जो जीन्स का कपड़ा होता था वो काफ़ी हैवी होता था मोटा होता था तो वो उनके लिए सूटेबल होता था वुमेन स्टार्टिंग वियरिंग सेपरेट स्कर्ट एंड ब्लाउज इन एटीन एटीज दिस वॉज अ स्टेप टू वर्ड मैनुफैक्चर ऑफ रेडी टू वीयर क्लोथ्स फॉर वुमेन लेंथ वॉज वेस्टलेस कु इजिली एडजस्ट एंड दिस मेक एक पॉसिबल फॉर द वर्किंग क्लास टू एड वेरायटी टू देयर व्रॉब सिम्पली बाय मिक्सिंग सेपरेट्स अब देखो इस टाइम पर क्या हुआ था जो वुमेन होती थी वो एक से पहले वन पीस ड्रेस पहनती थी मतलब जो गाउन होता था ना वो पहनती थी वुमेन लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा धीरे धीरे टू पीस ड्रेस आने लगी मतलब अब जो वुमेन थी वो स्कर्ट और ब्लाउज़ पहनती थी तो उसमें एक स्पेशलिटी की जो बात थी वो क्या थी कि हम उस स्कर्ट को छोटा भी करा सकते उस स्कर्ट को बड़ा भी करा सकते हैं उसकी अगर हमें कोई वेस्ट मतलब जो कमर की जैसे हम कमर में थोड़ा ऊपर नीचे करवाते हैं टाइट करवाते हैं या फिर लूज़ करवाते हैं उसकी प्रॉब्लम अब ख़त्म हो गई थी और जो औरतें थीं उनके पास एक नया फैशन आ गया था बाय नाइन्टीन सेंचुरी एफर्डेबल फैशन वर मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक थ्रू फेयर एंड बाजार अब देखो ये ना धीरे धीरे करके बाजारों में फैलने लगा एक देश से दूसरे देश में फैलने लगा जगह जगह फैलने लगा और इससे क्या शुरू हो गया इससे व्यापार शुरू हो गया ट्रैवलिंग शुरू हो गए लोग एक जगह से दूसरी जगह क्लोथ खरीदने जाते थे कोई बेचने जाता था बोथ बायर्स एंड सेलर्स usually ब्रिग इन एस लार्ज नंबर ऑफ people इन towns. अब क्या हुआ धीरे धीरे लोग शहरों में आने लगे जेंटल स्टोर वर to cater टू देयर डिमांड विद ग्रोइंग डिमांड ऑफ फॉर अ variety ऑफ गुड्स रिटेल स्टोर grew इन सिटीज अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फैशन इवोल्यूशन कि जो कपड़ा है वो कंज्यूमर तक कैसे पहुँचता है फैशन साइकिल द वे इन विच फैशन चेंजेस इन यूजुअली डिस्क्राइब एज अ फैशन साइकिल और अ पीरियड ऑफ टाइम और वाइल्ड स्पेन ड्यूरिंग विच द फैशन एग्जिस्ट मूविंग थ्रू फाइव स्टेजेस फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग थ्रू ऑब्सोलेंस देखो क्या होता है जो फैशन होता है ना वो पांच साइकिल में बढ़ जाता है पहला क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल पहले लोगों को दिखाया जाता है वो कपड़ा डिज़ाइनर इंटरप्ट देयर रिसर्च एंड क्रिएटिव आइडियाज़ इन टू अपैरल एंड देन ऑफ़र द न्यू स्टाइल टू द पब्लिक देखो क्या होता है जो फैशन डिज़ाइनर होता है ना वो एक नई ड्रेस बनाता है और उस ड्रेस को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है डिज़ाइन आर क्रिएटिव व चेंजिंग एलिमेंट सचेस लाइन कलर शेप फैब्रिक एंड डिटेल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर देखो वो जो फैशन जो वो कपड़ा बनाता है जो ड्रेस बनाता है वो ऐसी ड्रेस होती है कि जो कि मार्केट में पहली बार आई होती है उसका कलर अलग होता है उसका शेप अलग होता है उसका, उसका साइज़ अलग होता है टोकली वो डिफरेंट होता है तभी वो क्या कहलाता है एक न्यू फैशन कहलाता है ठीक है उसके बाद दूसरी दूसरी स्टेज क्या होती है इनक्रीज़ इन पॉपुलैरिटी एज द न्यू फैशन इज़ परचेज वॉन एंड सी बाय मैनी पीपल इट मे बिगम टू राइज़ इन पॉपुलैरिटी अब धीरे धीरे क्या करते हैं लोग जो फैशन में चल रहा होता है उसे खरीदना चाहते हैं अब देखो हर जगह उसी का नाम होता है कि भाई ये फैशन के कपड़े हमें ये कपड़े चाहिए कोई कहीं पे भी जाओ मतलब उसी के बारे में बात चल रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा वो कपड़ा जो होता है बहुत दिमाग में रहता है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी वेन फैशन इज एट द हाइट ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी इट मे बी सच डिमांड डेट मैनी मैन्युफैक्चर कॉपी इट और प्रोड्यूस एडेप्शन ऑफ इट ऑल डिफरेंट प्राइस लेवल अब धीरे धीरे क्या होता है ये इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि हर कोई हर किसी के पास वो ड्रेस अवेलेबल हो जाती है कैसे होती है क्योंकि जो और भी जो कंपनीज होती है ना धीरे धीरे उस डिज़ाइन की कॉपी करने लग जाती है और उसे एक सस्ते दाम में बेचने लग जाती है तो क्या करते हैं तो हर किसी के पास वो ड्रेस आ जाती है उसके बाद क्या होता है फोर्थ स्टेज क्या होती है डिक्लीन इन पॉपुलैरिटी इवेंचुअली सो मैनी कॉपीज आर मास प्रोड्यूस द फैशन कंसिक्यूंस पीपल टायर ऑफ द स्टाइल एंड बिगिंग टू लिक फॉर द समथिंग न्यू दिस डिक्लाइन स्टाइल आर पुट ऑन सेल रैक्स इन द रिटेल स्टोर अब धीरे धीरे क्या होता है जब लोग एक ही चीज़ को देखने लगते हैं तो वो अब बोर हो जाते हैं अब लोग चाहते हैं कि भाई उन्हें कुछ नया मिले तो धीरे धीरे क्या होता है उसकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है उसके बाद रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल ऑफ ऑब्सलेंस इन द लास्ट फेज ऑफ द फैशन साइकिल सम कंज्यूमर हैव ऑलरेडी टर्न टू न्यू लुक दस्ट बिगनिंग आ न्यू साइकिल उसके बाद क्या होता है दूसरा फैशन डिज़ाइनर आता है वो अपना स्टाइल लाता है तो लोग उसके पीछे भागने चले जाते हैं उसके बाद जो पुराने पी जो पुराना जो डिज़ाइन था लोग उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं मतलब अब वो लोग उससे बोर हो जाते हैं और उसकी चीज़ें पहनना बंद कर देते हैं उसके बाद आता है फ़ैशन मर्चेंडाइजिंग फ़ैशन मर्चेंडाइजिंग क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या होता है व्यापार फैशन मर्चेंडाइजिंग टू द प्लानिंग रिक्वायर टू हैव द राइट मर्चेंडाइजिंग एट राइट टाइम राइट प्लेस राइट प्राइस विद द राइट सेल प्रमोशन इफ ऑल दिस कंडीशन आर प्लान वन कैन अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट अब देखो अगर इन्हें ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो तो इसके लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा इन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा सही समय है अगर कोई फैशन को वो ला रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कौन सा सही टाइम है कौन सी सही जगह है और कौन सा सही प्राइस है और वो जो फैशन का जो कपड़ा ला रहे हैं उसे उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोमोशन करना आना चाहिए ताकि लोगों तक बात पहुँचे कि हाँ ये जो कपड़ा है ये फैशन में आ रहा है फैशन मर्सेंडाइजिंग इज़ अ पर्सन हु फैसिलिटी फैसिलिटेट कन्वर्जन ऑफ़ इंस्पिरेशन इन टू डिज़ाइन यूज टेक्नोलॉजी टू कंसेपचुलाइज एंड एड्रेस द प्लानिंग प्रोडक्शन प्रोमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ प्रोडक्ट इन द फैशन इंडस्ट्री टू मीट द नीड्स एंड डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर देखो हर एक फैशन डिजाइनर और मर्चेंडाइजर का क्या चाहते हैं वो लोग वो लोग हमारी डिमांड्स को पूरी करते हैं जो कंज्यूमर होते हैं इनका काम क्या होता है कंज्यूमर की कंज्यूमर जो चाहते हैं वो उनकी अकॉर्डिंग एक मार्किट में एक टारगेट फिक्स करते हैं टू अंडरस्टैंड फैशन मर्चेंडाइजिंग वेल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एग्जामाइन द रोल ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग अगर आपको फैशन के बारे में जानना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो फैशन मर्चेंडाइजिंग है उसका क्या रोल है मैन्युफैक्चरिंग बाइंग प्रोमोटिंग सेलिंग फ़ैशन आइटम सबसे पहले क्या करता है ये जो भी प्रोडक्ट फैशन डिज़ाइनर को चाहिए होता है वो उसे ला के देता है उसके बाद जब कोई फैशन डिज़ाइनर अपना कपड़ा बना लेता है तो ये अलग अलग जगह जाता है इसे बेचता है इसका जो इसकी सेल करता है इसका प्रोमोशन करता है उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं लोग इसे लेने लगते हैं और धीरे धीरे जो फैशन होता है वो पॉपुलर होने लगता है इन मैन्युफैक्चरिंग और फैशन मचिंगइाइजर मेक सिग्निफिकेंट इनपुट ऑन द टाइप्स ऑफ फैब्रिक यूज टू मेक अ पीस ऑफ क्लोथिंग हैविंग अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड शोशो कल्चर अंडरस्टैंडिंग द फैब्रिक हेल्प फैब्रिक्थ चेंजर डिज़ाइनर विजन इंग टू रियलिटी देखो अगर कोई फैशन डिजाइनर है और वो चाहता है कि भाई मैं ऐसा ऐसा कपड़ा बनाऊँ ठीक है तो उसके लिए जैसा वो कपड़ा चाहता है वैसा कपड़ा होना चाहिए और उससे भी बड़ी बात उसे उस फै, फैब्रिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जैसा वो डिज़ाइन सोच रहा है उसके लिए जो फैब्रिक है वो सूटेबल है कि नहीं है वो सारा जब उसे जब इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी तभी जो वो सोच रहा है वो असलियत में उस डिज़ाइन को बना पाएगा बाई अप्लाइंग द नॉलेज अबाउट फैब्रिक एंड क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फैशन मर्चिंगइाइजर टेक अ डिज़ाइनर पीस एंड फाइंड द बेस्ट वे टू मैन्युफैक्चरिंग द आइटम अब देखो फैशन डि मस्चिंगइजर का काम क्या होता है वो उसे अच्छा सा जो अपेरियल होता है वो उसे ला के दे मतलब उसे पहले वो रॉ मटेरियल अच्छे से अच्छा ला के दे क्योंकि अगर वो अच्छा मटेरियल नहीं ला के देगा तो जो डिज़ाइन वो बनाना चाहता है डिज़ाइनर जो डिज़ाइन बनाना चाहता है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा अगर वो कपड़ा अच्छा नहीं हुआ तो उसके बाद जो फैशन मर्चेंडाइजर होता है उसे ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ वो बेचने वाला है अपने कपड़े को वहाँ के लोग कैसे हैं क्या वहाँ के लोग इस कपड़े को ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे उसे इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए उसके बाद दूसरा जो है आता है बाइंग बाइंग बिकम पार्ट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग वेन अ मर्चेंडाइजर फैशन आइटम टू बी प्रेजेंटेड इन अ स्टोर देखो क्या होता है जो मर्चेंडाइजर होता है वो सारी जरूरत के सामान खरीद लेता है जो भी हमारे फैशन डिजाइनर को चाहिए होती है अ फैशन मर्चेंडाइजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द टारगेट फॉर द फैशन आइटम ऑल्सो बी वेरी वेल वर्स इन फैशन ट्रेंड एनालाइज एंड फोरकास्टिंग दिस अलाव फॉर मोर एक्यूरेट ऑर्डरिंग मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है फैशन की क्या डिमांड है उसे पता होना चाहिए फ्यूचर में आने वाला हमारा फैशन क्या होगा इन सब के बारे में फैशन मर्चेंडाइजर को पता होना चाहिए जब उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तभी वो ये सारी चीज़ें हमारे फैशन डिजाइनर को बता पाएगा कि भाई मार्केट में इस तरह के कपड़े चल रहे हैं इस तरीके के कपड़ों को लोग पसंद कर रहे हैं तो तुम इस तरीके का कुछ बनाओ प्रोमोटिंग द डिज़ाइनर प्रोडक्ट स्टोर गेट मे वॉन्ट टू बाई लार्ज क्वान्टिटीज इन अ नंबर वन प्रियोरिटी रोल नॉट ओनली इज द फैशन मर्चेंडाइजर रिक्वायर टू हैव अ क्रिएटिव माइंड एंड स्ट्रॉन्ग विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्किल्स प्रोडक्शन स्किल मस्ट बी शार्प एज वेल देखो एक जो फैशन डिज़ाइनर होता है ना उसके उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसके जो स्किल्स होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए उसके अंदर क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए नॉलेज के अलावा फैशन मर्चेंडाइजिंग प्रोमोट अ डिज़ाइनर आइटम्स थ्रू द यूज़ ऑफ फैशन शो वेयर क्रिएशन एंड विजुअल इफ़ेक्ट आर To the capture टू द कैप्चर potential बायर्स देखो क्या होता है जो फैशन मर्चेंडाइजर होता है ये क्या कराता है अलग अलग फैशन शो करवाता है और जो फैशन शो होते हैं उसमें कौन से कपड़े पहने जाते हैं जो फैशन डिज़ाइनर के कपड़े होते हैं उनको पहना जाता है तो जब वो फैशन शो करवाएगा अलग अलग तो इससे क्या होगा जो फैशन डिज़ाइनर के जो कपड़े हैं वो दिखाए जाएंगे उसके बाद एडिशनल फैशन मर्चेंडाइजर शिक आउट द टारगेट मार्केट फॉर डिज़ाइनर क्लोथिंग सच एस चिल्ड्रन क्लोथिंग स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर और डिस्काउंट रिटेलर देखो इसके अलावा उसे पता होना चाहिए कि जो फैशन डिजाइनर जो भी ड्रेस बना रहा है वो किसी बच्चे के लिए है किसी मैन के लिए है या फिर किसी वुमेन के लिए उसे इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए द फाइनल कॉम्पोनेंट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग इज़ सेलिंग जो लास्ट टर्म हमारी आती है वो आती है जो बेचना जो कि कंज्यू कंज्यूमर तक पहुँचता है अब फैशन मर्चेंडाइजर हु वर्क विद अ डिज़ाइनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग फैशन आइटम टू स्टोर विच देन सेल टू कंज्यूमर उसके बाद देखो इसका ये भी काम होता है कि ये जो फैशन डिज़ाइनर ने जो कपड़े बनाए हैं उसे अलग है। अलग स्टोर्स तक पहुँचाए अलग अलग दुकानदारों तक पहुँचाए अगेन द मर्चेंडाइजर हैव द आइडिया अबाउट द फोरकास्टिंग एंड मार्केट ट्रेंड्स टू गिव रिकमेंडेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ द आइटम और देखो वो कुछ सलाह भी दे सकता है उन दुकानदारों को कि तुम किस तरीके से इस प्रोडक्ट को बेचो ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो क्रिएटिविटी इज़ टू इम्पॉर्टेंट बिकॉज द मर्चेंटाइजर मस्ट ऑफर सजेशन ऑन हाउ टू डिस्प्ले द आइटम विद इन द स्टोर देखो इसके लिए क्रिएटिविटी का होना जरूरी है क्योंकि जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी तो कोई भी जो कंज्यूमर होगा वो उस ड्रेस को लेकर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो उसको इसके बाद इससे डील करना आना चाहिए अ फैशन मर्चेंडाइजिंग वर्क फॉर अ रिटेल स्टोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड बाइंग एंड प्रेजेंटिंग फैशन आइटम विद इन द स्टोर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मर्चेंडाइजिंग के अलग अलग लेवल कि कौन कौन से जो लेवल है वो हमें देखने को मिलते हैं रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग इट इज़ अ स्पेशाइज मैनेजमेंट फंक्शन विद इन द फैशन इंडस्ट्री देखो ये एक अलग ही तरह का मैनेजमेंट है हमारी फैशन इंडस्ट्रीज का इट इज़ द बिजनेस गेट मूव द फैशन द वर्ल्ड वर्ल्ड फ्रॉम डिज़ाइनर शोरूम टू रिटेल सेल फ्लोर इन टू हैंड्स ऑफ कंज्यूमर देखो कभी कभी क्या होता है जो हर वक्त जो सेलर्स जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं वही दुकानदारों को अपना सामान नहीं बेचते कभी कभी क्या होता है जो प्रोड्यूसर होता है मतलब जो लोग हमें बेचते हैं जो सेलर होता है कभी कभी ये भी शोरूम में जाता है उन लोगों से कपड़े लेके आता है थोप के भाव में मतलब ज़्यादा कपड़े लेके आता है और वो कपड़े हम लोगों तक वो बेचता है तो इससे क्या होता है इससे हम लोगों को भी फायदा होता है और जो बेच रहा है उसको भी फायदा होता है इसमें दोनों को ही फायदा होता है बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग प्रोवाइड सर्विस फॉर गुड बाइंग कंसल्टेंसी बाइंग एजेंसी एक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफिस फॉर द बायर सेलिंग थ्रू बाइंग एजेंसी इज प्रॉफिटेबल फॉर एक्सपोर्टर एज इट हेल्प इन द सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड टाइम सेविंग देखो बाइंग एजेंसी में क्या होता है हम देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग में हम देखते हैं अमेजोन हो गया मिंत्रा हो गया क्लब फैक्ट्री हो गया शेन हो गया तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो लोग क्या करते हैं अपना सामान बनाते हैं और जो भी सामान होता है उसे बेचने के लिए रख देते हैं अब वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास कितने पैसे हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस सामान को खरीद लेता है इससे हमें क्या फ़ायदा होता है इससे जो प्रोड्यूसर होता है उससे क्या फ़ायदा होता है कि कोई रेट कम नहीं करा सकता मतलब उसमें कोई बहस नहीं होती जैसे अगर हम वैसे जाएं किसी दुकानदार के पास तो हम रेट कम कराते हैं थोड़ी बहस हो जाती है तो वो हम ऑनलाइन में नहीं कर सकते और दूसरा फ़ायदा इससे क्या होता है हमें दूसरा फ़ायदा टाइम की बचत होती है इसके अलावा इन लोगों को तो फ़ायदा होता ही है ये साथ में हम लोगों को भी फ़ायदा होता है क्या होता है हमें एक अच्छी क्वालिटी मिल जाती है उसके बाद हमें फ़्री शिप मिल जाती है शिपिंग चार्ज फ्री मिल जाता है हमें और दूसरी बात कि अगर कोई हाई रेट का कोई आइटम है तो वो जो प्रोड्यूसर होता है वो थोड़ा उसमें कम ज़्यादा कर लेता है पहले से ताकि बाद में कुछ ना करना पड़े एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग देखो अगर हमें एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो मर्चेंडाइजिंग है उसका एक्सपोर्ट हाउस में क्या रोल है टू अंडरस्टैंड दिस इट इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मर्चेंडाइजिंग इन एंड एक्सपोर्ट हाउस देर आर टू टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइजर इन एंड एक्सपोर्ट हाउस देखो हमारे एक्सपोर्ट हाउस में दो तरह के मर्चेंडाइजर होते हैं पहला होता है बायर मर्चेंडाइजर दूसरा होता है प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर अब देखो इन दोनों के बीच में एक लिंक होता है मतलब लिंक का मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कैसे जुड़े रहते हैं दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द प्रोडक्ट इज डेवलप एज द पर रिक्वायरमेंट देखो बायर को क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है बायर को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है बायर मतलब जो खरीदने वाले लोग हैं प्रोड्यूसर मतलब जो बनाने वाले लोग हैं तो उन्हें ध्यान में रखना पड़ता है उसकी क्या क्वालिटी है क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसकी कम्युनिकेशन बातचीत कैसी है इन सब चीज़ों का उनसे ध्यान रखना पड़ता है द प्रोडक्शन मर्चेंट ऑन द अदर हैंड आर अ लिंक बिटवीन प्रोडक्शन उसके बाद जो प्रोडक्शन मर्चेंट है उसका काम क्या होता है इसका काम होता है किसके बीच लिंक बनाना प्रोडक्शन एंड बायर मर्चेंट अब ये जो बायर है ये वो वाला बायर नहीं है जो कि कंज्यूमर वाला बायर नहीं है ये वो वाला बायर है जो पहले बनने से पहले जो हमें बेचता है ना वो वाला मतलब जैसे फैशन डिज़ाइनर ने कोई कपड़े बनाए उससे जाके जो खरीदता है फिर हमें बेचता है ये वो वाला बायर है उसके बाद ये हमें कुछ सैम्पल्स दिखाता है कुछ सोर्स दिखाता है उसके बाद अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इसके अलावा ये इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि वो शेड्यूल क्या है और बायर की रिक्वायरमेंट क्या है इन सब चीज़ों का ध्यान भी फैशन डिज़ाइनर को रखना पड़ता है अदर कॉन्सेप्ट एंड रिक्वायरमेंट इन फैशन मर्चेंडाइजिंग वन नीड्स टू अंडरस्टैंड टारगेट मार्केट इट इज डिफाइंड एज कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर वन इज टारगेटिंग फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट देखो एक हमारा टारगेट भी होना चाहिए अगर हम किसी सामान को बेच रहे हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द टारगेट मार्केट एज दिस विल अलाउ द सेल डिपार्टमेंट टू फोकस ऑन दैट द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर हु आर मोस्ट लाइकली टू परचेज द ऑफरिंग इट इज ऑल्सो टू इन्जीव दाइए फॉर द मार्केटिंग सेल एक्सपेंडिचर देखो अगर कोई इंसान मार्केट में जा रहा है अगर फैशन मर्चेंडाइजर किसी मार्केट में जा रहा है तो उसे पता होना चाहिए मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और वहाँ पे वो जो सामान है वो किसके लिए बेचा जा रहा है क्योंकि अगर देखो अगर किसी बच्चे के लिए फैशन डिजाइनर ने कोई ड्रेस बनाई है तो उसका मेन टारगेट क्या होगा उसका मेन टारगेट होंगे वो बच्चे और उनके पेरेंट्स तो देखो इसको समझने के लिए फैशन टारगेट मार्केट को समझने के लिए हमें किसे समझना पड़ेगा मार्केट सेगमेंटेशन को मार्गेट मार्केट सेगमेंटेशन इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व डिवाइडिंग अ लार्जर मार्केट इन टू सब सेट्स ऑफ कंज्यूमर देखो मार्केट भी अलग अलग तरीके की होती है इसे अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है तो पहला क्या होता है पहला होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज़ बेस ऑन पॉपुलेशन एज ऑक्यूपेशन एजुकेशन एंड इनकम देखो जो मार्केट होती है वो किस किस हिस्सों में बांट दी जाती है पॉपुलेशन के हिसाब से बांट दी जाती है या फिर एज वाइज जो बच्चों के कपड़े होते हैं उसके अकॉर्डिंग बांट दी जाती है या फिर जो लोग काम करते हैं जैसे अलग अलग जो लॉयर होते हैं उनकी ड्रेस अलग होती है हर किसी की जो ड्रेस होती है वो अलग अलग होती है तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से बांट देते हैं एजुकेशन जो एजुकेशन का मार्केट होता है उसको उसके हिसाब से बांट देते हैं और इनकम के हिसाब से उसके बाद जो दूसरा है वो हमारा है जोग्राफिक सेगमेंटेशन जोग्राफिक सेगमेंटेशन इज़ वन ऑफ द बेसिस ऑफ सिटीज स्टेट एंड रीज़न देखो इसे भी तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है सिटी स्टेट और रीजन में क्लाइमेट ऑफ वेरियस प्लेस में वेरी वेरी एंड इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल एज चॉइस ऑफ मर्चिंग गाइस देखो क्या होता है हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्लाइमेट पे कौन सा हम जो कपड़ा है वो बेच रहे हैं जैसे अगर हम किसी स्टेट में अपने गर्मियों के कपड़े बेच रहे हैं ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर उस समय गर्मी ही हो हो सकता है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो तो हमें क्लाइमेट के बारे में भी पता होना चाहिए साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल लाइक सोशल एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट लेजर परसू नीड एंड वॉन्ट्स पीपल हैव सिमिलर लाइफ स्टाइल कैन अप आ टारगेट मार्केट ग्रुप देखो साथ में उसे ये पता होना चाहिए कि जो लोग हैं उनका उनकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या क्या है उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है उनका एंटरटेनमेंट का तरीका क्या है उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और वो क्या चीज़ चाहते हैं क्योंकि जब हर किसी की जब एक जैसी थिंकिंग होगी एक जैसी डिमांड होगी तो वो वही टारगेट मार्केट ग्रुप में सेट करेंगे बिहेवियर सेगमेंटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ओपिनियन ऑफ़ स्पेसिफिक प्रोडक्शन और सर्विस मैनी टाइम रेटिंग ऑफ़ यूजेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इज डन दिस हेल्प इंप्रूविंग द सर्विस प्रोडक्ट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर इसमें क्या बोला गया है लोगों से ओपिनियन मांगे जाते हैं लोगों से पूछा जाता है कि भाई तुम्हें किस तरीके की ड्रेस पसंद है ताकि वो उनकी जो नीड्स है, उनकी जो डिमांड है उनको फुलफिल कर सके उसके बाद यहाँ पर कुछ राइट्स दिए हैं मतलब बोला गया है कि ऐसा क्या करें जो कि जो कस्टमर है वो हमारे पास खींचे चले आए तो उन्हें ऐसे हम कौन कौन से राइट्स हैं इसके बारे में पता होना चाहिए तो सबसे पहले राइट आता है राइट मर्चेंडाइज रिटेलर मस्ट फिल देयर शेल्व विद द मर्चेंडाइजर गेट द कस्टमर वांट्स देखो जो भी मर्चेंडाइज़र होता है उसे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो चीज़ कस्टमर चाहता है अपने दुकानदार से वो सारी चीज़ें उसे उसकी शॉप में मिलनी चाहिए क्योंकि अगर वहाँ पे ऐसा सामान रखा है जो कस्टमर को नहीं पसंद है या फिर कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से अगर उसे सामान नहीं मिल रहा है तो अगली बार से वो शॉप में जाएगा ही नहीं तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है एट राइट प्लेस द लोकेशन ऑफ इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंट सिंस इट डिसाइड एक्सेसिबिलिटी देखो ऐसी प्लेस में अपनी दुकान खोलनी चाहिए जिस जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जा सके आसानी से एट राइट टाइम मच मर्चेंडाइज इज़ सीजनल इन नेचर एंड मस्ट बी ऑन हैंग वन इट इज़ मोस्ट नीडेड देखो एक सही टाइम का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर फैशन डिज़ाइनर ने कोई ऐसी ड्रेस बनाई है जो कि विंटर सीजन की है और अभी क्या चल रहा है अभी चल रहा है अभी विंटर सीज़न चल रहा है किसी फैशन डिज़ाइनर ने समर की ड्रेस बना दी तो क्या इस टाइम पे कोई उसे खरीदेगा नहीं खरीदेगा तो उसे पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट टाइम कौन सा है उसके बाद इन राइट क्वांटिटी। दिस मीन्स अ प्रॉफिटेबल बैलेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री उसकी जो क्वांटिटी मतलब वो जिस रेट में बेच रहा है वो भी एक सही दाम होना चाहिए मतलब जिससे जो बेचने वाला है जो सेलर है उसे भी फ़ायदा हो और जो कंज्यूमर है उसे भी फायदा हो राइट right प्राइस मर्चेंडाइजर मस्ट अराइव अ पारे दैट इज़ हाई इनफ टू गिव द स्टोर प्रॉफिट येट बिलो लो टू द मीट द कॉम्पिटिशन एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन विद राइट प्रोमोशन राइट बैलेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द अपीरियल क्रिएटेड फॉर द कस्टमर इंश्योर सक्सेसफुल प्रोमोशन देखो उसे अपना प्रोमोशन करना भी आना चाहिए मतलब वो ऐसा करे जिससे कि लोग जो है उसके कपड़े को खरीदे तो जैसे क्या करते हैं लोग अपने जो कपड़े हैं उसे खरीदने के लिए क्या क्या करते हैं अलग अलग एडवर्टाइज़मेंट करते हैं कपड़ों का शो करते हैं जिससे कि जो लोग हैं वो उनके कपड़ों की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो उसके बाद जो बाकी का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सो so, अभी के लिए थैंक यू और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं